आज की वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ पे आप सभी को घर मिलने वाले हैं। आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको ये घर मिलने वाले हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, सबको घर मिलने वाले हैं। सारा कुछ आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है वो चीजें आप ध्यान से समझिएगा। सारा कुछ आपका उसी पे डिपेंड करता है। मैं आपको सारी चीजें बहुत ही बारीकी से इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। आप इंडियन सिटीजन कैंडिडेट है, चाहे कोई विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, सिटी है, कोई भी आप में से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप सारे यहाँ पर इलिजिबल है और अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। आपको कैसे ये घर मिलने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं वो भी ध्यान से समझ लेना। अप्लाई आपको कैसे करना है, अर्बन कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना है, यानी कि शहरी कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना है, और जो विलेज के कैंडिडेट है उनको कैसे आवेदन करना है, ये सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने वाली हूँ। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आ चुकी हूँ। आप ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर आपको घर मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनका ये मोटिव है कि इस बार 3 करोड़ लोगों को वो घर देने जा रहे हैं, जहां पे गांव वालों को भी मिलेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं उनको भी मिलने वाले हैं, मेल एंड फीमेल दोनों को। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। मैं सारा कुछ आपको कंप्लीट स्क्रीन पे समझाऊंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगी, जहां पे हम बात करेंगे क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, आवेदन कैसे करना है, ये सारा कुछ आप ध्यान से समझना। सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए, चाहे कोई सरकारी योजनाएं हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इसके अलावा देखिए, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जिनकी तरफ से एक तो सरकारी योजनाएँ आ चुकी हैं लेटेस्ट, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो ऑफिशियल साइट है meetacademy.in, इस तरीके से गूगल पे लिखना meetacademy.in, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, देखिए वैकेंसीज आ गई हैं, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है रेलवे की, और एक है प्राइवेट डिपार्टमेंट अमेजोन की, और एक और सरकारी योजना आ चुकी है जहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये तीनों वीडियोज आपको इसके बाद मिलेंगी हमारे सेकेंड चैनल पर, जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में टाइप करके सब्सक्राइब करना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हर नोटिफिकेशन आपका टाइम पर पहुंच जाए। चलिए फिलहाल हम यहां पे बात कर रहे हैं आपका लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आपको घर मिलने वाले हैं। सबसे पहले ना मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूं, वहां पे सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी इस अपडेट के बारे में, कैसे आवास योजना के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या दस्तावेज है जो आपको पहले रखने हैं अपने पास अप्लाई करते वक्त, उसके बाद क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, कैसे कैसे ये पेमेंट आपको मिलने वाली है, हर चीज को वन बाय वन यहाँ कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमें सबसे पहले आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है क्या क्या फायदे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे आवेदन जो है वो करना होगा, ठीक है। सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगी। आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है, आप मेल है, आप फीमेल है, एनी वन कैन अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना के बारे में। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी विलेज से है, किसी डिस्ट्रिक्ट टाउन, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई यहाँ शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्कीम है टोटली। यहाँ पे जो बेनिफिट है आपको 1,20,000 का अलग से आपको मिलेगा। सारा डिटेल में समझाऊंगी, वीडियो को अंत तक देखना, ताकि सारा कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे समझ में आ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये पीएम आवास योजना है क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी किफायती का आवास पहल है। इस योजना के बारे में कुछ मुख्य विवरण है जो आपको यहाँ डिटेल में समझने।
तो यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिट क्या क्या है, यहाँ स्क्रोल डाउन करेंगे हम, यहाँ देख लेते हैं बेनिफिट आपको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो बेनिफिट है रूरल एरिया के लिए, ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियली आपकी जो हेल्प की जाने वाली है वो आपको 1,20,000 जो है वो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे 3 अलग अलग इजिली आपको इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो एप्लीकेशन जब आपकी अप्रूव हो जाती है, एप्लीकेशन को भरना कैसे है सारा कुछ तो उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको मैं आगे समझाऊंगी, वीडियो को अंत तक आपने देखना है। ठीक है, एप्लीकेशन जैसी आपकी अप्रूव्ड होगी आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी वो आपकी आपको दी जाएगी जब आपका हाफ लेंटर हो जाता है। ठीक है, तब आपको दी जाएगी। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें वो आपको, ठीक है, जब आपका लेंटर कंप्लीट पड़ जाता है, जब अपना लेंटर आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तब वो आपके अकाउंट में सेंड की जाएगी जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बेनिफिशियरी विल गिवन अ सेपरेट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 12,000 फॉर कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन दिस हाउस इन हिज हाउस। ठीक है, आपको अपने हाउस में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से 12,000 रुपीज दिए जाएंगे। ये सारे फायदे रूरल एरिया के लिए। अब अर्बन के लिए भी यहाँ चेक करो पहले क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, क्या क्या फर्क आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपीज आपको जो है वो यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना इन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि कितना आपका एरिया बिल्ड हाउस है, ठीक है, जो लिमिटेशन होती है उस वक्त आपको यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा है। सो जैसे आपका यहाँ पे परमानेंट घर जो है, ठीक है, वो बनता है तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में सीधा यहाँ पे पेमेंट जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जैसे आप अपनी टॉयलेट बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं उसको, तो उसके लिए भी आपको 12,000 रुपीज जो है वो अलग से यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आती है कि कौन कौन है जो यहाँ पे पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल है और यहाँ आवेदन कर सकता है। सबसे पहले यहाँ कंडीशन है आप इंडियन सिटीजन कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो फाइनेंशियली वीक है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में किसी भी या एरिया में रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट आपका रेजिडेंस है तभी आप अप्लाई करो। आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन कैंडिडेट, आप यहाँ आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हैं आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि जो पहली प्रायोरिटी आपको दी जाने वाली है वो SC ST कैंडिडेट को दी जाएगी, लेकिन कोई भी आवेदन यहाँ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो आपकी एज लिमिट लिखी हुई है तो आपकी 16 to 59, ठीक है, वो आप सारा यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। लैंडलेस फैमिलीज यहाँ पे जो है वो भी इसके लिए कर सकती हैं, जो कि डेली वेजेस के अंडर आती है, मतलब उनको डेली वेजेस यहाँ पे मिलता है, तो वो भी यहाँ पे जो है एलिजिबल है, इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो मैक्सिमम एनुअल इनकम है वो आपकी साल की अगर बात करें 18 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर रिपेयर करवाना है, इम्प्रूवमेंट करवानी है हाउस में, ठीक है, तो वो आपकी वो आपको उसके भी पैसे मिलेंगे अगर आप EWS या LAG कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसको आवेदन करने के लिए। तो आधार कार्ड आपको सबसे पहले अपना चाहिए, उसके बाद वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकम की बताया ना मैंने आपको साल की आपके 18 लाख से ज्यादा ना हो। एज का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चाहिए। अब इधर लास्ट में आपको लिंक मिलेंगे यहाँ पर अप्लाई हमने कैसे कर। जब हम यहाँ पे अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करते हैं हम सीधा आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे, जिसके थ्रू यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आपको जो लाभ मिलता है वो यहाँ से आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, क्या क्या फायदा आपको यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है। अब सबसे पहले ये आपको ने आपको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है अगर हम यहाँ पे शहरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले उन्हीं का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो, अगर वर्चुअल आईडी है तो वो, ठीक है, और
लिखा हुआ ना, दोनों में से कुछ भी है। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड पे सिलेक्ट करा है, आधार कार्ड यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, आपका नेम क्या है आधार कार्ड पे वो आप लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके लास्ट में इधर आप चेक कर सकते हैं, अपने आपको वेरीफाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे OTP आने वाला है। ठीक है, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑफिशियल साइट है। अब अप्लाई के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपको और भी डिटेल में यहाँ पे चाहिए कि शहरी के लिए आप कैसे यहाँ पर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आपने मुझे इसके लिए कमेंट भी जरूर करें। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो भी इसके लिए आ जाएगी अगर मेरे पास कमेंट आएंगे तो। सबसे पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस अगर चेक करना चाहते हैं, शहरी का अलग मैंने आपको लिंक दिया है, ग्रामीण का अलग दिखाती हूँ कैसे। इसके अलावा आपने अगर आवास योजना लिस्ट चेक करनी है, शहरी पे क्लिक करके और चेक कर सकते हैं शहरी की, और ग्रामीण पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं ग्रामीण की। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस के लिए हम यहाँ पे अगर शहरी पे क्लिक करेंगे, हम आएंगे इनके ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आपका जो असेसमेंट है, जो आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फिल की है, आप यहीं से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास असेसमेंट आईडी है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ना ऊपर और टॉप में इन्होंने असेसमेंट आईडी लिखा होता है। ठीक है, और मोबाइल नंबर लिख के सबमिट पे क्लिक करके सीधा आप यहाँ पे अपना डेटा चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। अदरवाइज अगर असेसमेंट आईडी आपको नहीं पता चल रही है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं जिस नाम से फॉर्म को भरा था, फादर नेम और मोबाइल नंबर, जैसे अपना स्टेट यहाँ लिख सकते हैं, सिटी नेम लिख सकते हैं, नाम क्या है, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ठीक है, फादर नेम, वो आप सबमिट करके यहाँ पे अगर आप शहरी के लिए चेक कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर अपने आपने अपनी लिस्ट चेक करनी है तो यहाँ पे शहरी पे क्लिक करके आप शहरी के यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखो आपके सामने यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी शहरी की सारी डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रामीण के लिए करनी है तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने भरा है, इसी साल भरा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कैप्चा कोड जो भी आपके सामने होगा, जैसे मेरे पास ये शो रहा है 50-10 तो यहाँ 40 लेके आप सबमिट कर देना, आपके पास कोई अलग कैप्चा आ जाएगा, समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रीट्राई कर देना कैप्चा पे, तो 9+20 मेरे पास आ गया, तो अलग अलग कैप्चा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सबमिट पे करके आप अपनी लिस्ट यहाँ चेक कर सकते। सो जैसे जैसे मैंने आपको बताया इसकी एलिजिबिलिटी, इसके डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, अर्बन कैंडिडेट किस तरीके से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, लिस्ट चेक कर सकते हैं, और रूरल वाले कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। अगर आप चाहते हैं अर्बन के लिए जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है उसके कंप्लीट वीडियो भी आए, ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट जरूर करना है। कमेंट अगर मेरे पास ज्यादा आएंगे मैं उसी वक्त वीडियो ले आऊंगी। अब कमेंट ज्यादा कैसे आएंगे, अगर आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से या कोई भी अप्लाई यहां कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। ऐसे ही सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर जाके ज्वाइन करना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया, व्हाट्सएप चैनल हमारा जरूर जाकर आप फॉलो कर लेना। ठीक है, इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज भी फॉलो रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।